जैसे कोई बाप अपने बेटे से कहे कि तू 10 लाख दूंगा तो तू उसको 50,000 बनाएगा, 9.5 लाख खोएगा, तू इसलिए मैं तेरे को नहीं दे। बेटे कहने का कि अब्बा मेरे को दुकान पर बिठा के तो देखो, इसके पहले ही आप अपने इल्म की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला ने ये हुज्जत इंसान की उस पर ना रहे इसलिए उसने दुनिया में उसको भेजा। अब दुनिया में इम्तिहान दे करके आपने पहुँचना है। तो ये जो आपका फरमाना है वो उसमें अपनी सी इसलाह करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये सूरत अख्तियार नहीं की तो फिर दूसरी कोई सूरत अख्तियार करते, तब भी ये कहते कि भाई ये तो मालूम था ऐसा क्यों किया, तो फिर हम दुनिया में आने का सबब नहीं बन सकते थे। जी हाँ भाई, यस ब्रदर। कुरान शरीफ में शायद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम में से एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो खैर की तरफ लाए और शर से रोके। तो इस सिलसिले में मतलब मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, जैसे कि खासकर मतलब हिंदुस्तान में, मतलब जहाँ मतलब मुसलमानों की इतनी 22 करोड़ की आबादी भी है मतलब, और कुछ मतलब उसको कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है उसमें जिस तरह से इस आयत में। बहुत अच्छा सवाल है आप, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। बहुत अच्छा दमदार सवाल है। सवाल नहीं है बल्कि एक तरह की नसीहत की बात है। यह आपने सही कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास की बात करें कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। आपका नमूना जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जमातें आपकी बहुत हैं, मैं किसी जमात की भी तनकीस नहीं कर, लेकिन आपकी एक बुराई जो है पिछले 100 बरस की मेरे रिकॉर्ड में, मेरी उम्र 73 साल की है, 50 जमातें बता सकता हूँ जिसके आपने खुद 2 टुकड़े किए। कोई जमात आप बता दीजिए जिसके 2 टुकड़े आपने न किए। जमात बनाना बहुत मुश्किल काम है, तोड़ना। अभी IRF है, कितने पापड़ बेले होंगे इन्होंने, कितनी कुर्बानियाँ दी होगी जब ये IRF वजूद में आया और इस वक्त दुनिया में काम हो रहा। आप इसके कीजिए 2 टुकड़े, मैं BRF शुरू करता हूँ उधर, आप SRF शुरू कर दी। तो कुरान ने कहा वला तनाज़ाउ, तनाज़ा खींच खाँच मत करो, तो तफशलू तुम्हारे पांव फिसल जाएंगे, वह तजहबा री हुकूमत तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो आपकी हवा निकल गई, इस हवा को फिर बिठाना चाहते हो तो ईमान वालों की इज्जत करो। कोई भी जमात खैर का काम कर रही है उसका ताउन करो, उसमें कोई गलती दिखती है तो उसको सुधारने के लिए नरमी से उसको बताओ कि भैया ये मुनासिब नहीं है इस वक्त, ये तरीका मत अख्तियार करो और लाइन के ऊपर चलो। माना तो ठीक है, नहीं माना तो उसकी मुखालफत मत कीजिए, नहीं माना तो उसकी मुखालफत की, ये एक रास्ता है। वला तकूनु कल्लती नकदत गजल हा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, उस पागल औरत की तरफ मत हो जाओ को मेहनत से मशक्कत से सूत धागा तैयार करती है, ये गरीबों को कपड़ा देगी, गर्म कपड़ा देगी ठंडी में, और कपड़ा देने का जब वक्त आया तो अपने धागे को अपने हाथ से टुकड़े करती है। आप इस जुर्म के मुर्तकिब हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। 2 टुकड़े मत कीजिए, 2 टुकड़े करने के सबब से ही आपके अंदर ये जमातों का जो फैज है वो हासिल नहीं हो रहा। बस ये जमातें अब भी हैं, एक बाप ने एक फर्म छोड़ी है, उसके 2 लड़के 4 लड़के मिल करके चला रहे हैं, लंबे अरसे तक के वो फर्म चलती है, और जहां वो उनमें इंतजार हुआ, अगर उसूली तौर पर अलग होते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा हर्ज वाक़ नहीं हो, लेकिन अलग होने के बाद चुप नहीं रहते, एक दूसरे का ऐब निकालते हैं। ये ऐब निकालने की वजह से हमारी हवा निकल गई और उन जमातों की ताकतें भी। इसलिए मैंने शुरू से अंदाज़ा लगाया कि भाई किसी भी जमात में अपन रहेंगे तो किसी दिन के 2 टुकड़े होंगे, तो अपने को भी फैसला करना पड़ेगा कि मैं इसमें रहूँ के। इसलिए अपने आप को मैंने महफूज रखा, कुरान शरीफ पकड़े रहो, जमातें मुबारक, लेकिन जमातें होना ज़रूरी बहुत है। मगर मौजूदा पोजीशन के अंदर इतना ये अखबार की वजह से ऐसे जहन लोगों को बने हुए और इतने सवाल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए आप जब तक कुरान मजीद की आयत की तरफ आपकी तवज्जो न हो कि भाई मेरा ईमान वाला भाई है, 10 काम अच्छे करता है तो 2 में इसने गलती भी की। बकौल मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम कौमों में लाला लाजपत राय को, गांधी जी को करोड़ों रुपया दिया, मुसलमान 10 रुपये देगा तो दिन में 10 दफ़े हिसाब लेने के लिए आएगा, 10 रुपये चंदा देगा तो 10 दफ़े। जिस मस्जिद का मुतवल्ली होगा आप इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर पैसे खा गया है, लगाते नहीं लगाते, कोई बता दीजिए तो क्या सबके सब चोर होंगे क्या? उम्मत का जो मिजाज है उसके अंदर खराबी आई है कुरान मजीद के माना की दूरी के सबब। वरना अल्लाह के फजल से मैंने अब तक किसी जमात के ऊपर बावजूद कोई इख्तलाफ भी हुआ तो खुद गया उनसे मिला, उनको बोला कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है,
इसमें आप तब्दीली लाएंगे तो अच्छा हो, माने तो ठीक और नहीं माने तो ठीक। हमने कोई अखबारी बयान देख करके किसी को, मेरे बारे में आप नहीं कह सकते मेरी 50 साल की ज़िंदगी के अंदर कि मैंने किसी जमात को कोई मुखालफाना बयान दिया हो। उनसे बात कर ली, उनसे कह दिया। तो आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि जमाती बंदिश में अगर काम होता है तो बकौल आपके उसमें बरकत है, लेकिन हमारा मिजाज ख़राब है उसका क्या। जितनी सल्तनतें इस वक्त आपकी है इस ज़मीन के ऊपर, और जितने झंडे यूनाइटेड नेशन पर लहरा रहे हैं, और जितना पेट्रोल आपके पाँव के नीचे है, और जितना स्टर्लिंग बैलेंस और सोना आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड में अमेरिका में जमा है, और जितनी रकमें आपकी है उसमें दुनिया में आप एक बेहतरीन ताकतवर उम्मत हो, लेकिन दूसरे नचा रहे हैं। आप नचा रहे नहीं नचा रहे, इसकी वजह क्या है? इसमें आपको भी एक दूसरे से डर लगता है, सल्तनतें सल्तनतों से डरती है, हर एक को नाम नहीं लेता ना, सबको एक दूसरे का डर पड़ा हुआ। इसी तरह जमातों को जमात से डर। अब मस्जिद में मैं आऊँगा आपसे मेरे को डर लगेगा, मैं आप यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, मुझे आपको मुझसे डर लगे और मुझे आपसे डर लगेगा तो मैं दिल की बात कह नहीं सकूँ। इसलिए इस भय को और इस नाइत्तेफाकी को दूर करने की भी कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ इसमें क्या हर्ज है कि एक चीज़ आपके समझ में ये आती है वैसा कर लीजिए, मैं मेरे को देखेगा कि इसमें गुंजाइश है इसकी तो मैं आड़े आपके नहीं आऊँगा। कुरान मजीद को आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें तवस्सो आ जाएगा। एक छोटी सी मिसाल और दे देता हूँ मैं। सूरह आले इमरान उतरी, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफ़हीमुल कुरान में वो किस्सा जितना उन्होंने तफसील से लिखा है उतना उर्दू तफसीरों में आपको नहीं मिलेगा। ये सुन लीजिए ज़रा, यानी ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं जिसने अपने और गैरों को आप आबैल मेरे को मार ज़बरदस्ती। वो 40 आदमी थे और आए वो मदीने में, और ईसाई लोग होशियार होते भी हैं, उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए और हम अपनी हेकड़ी पर रहे तो हम मार खा जाएंगे। हदीसों में आता है कि 40 आदमी आए। अब उस ज़माने में होटलें थी क्या मदीने में? अच्छा, किसी का घर भी इतना बड़ा नहीं था कि 40 आदमियों को कहाँ ठहरा, और थे भी गैर मुस्लिम, वो क्रिश्चियन थे ना, वो रसूलल्लाह ने कहाँ ठहराया? मस्जिद नबवी, खाना भी वहीं खिलाया गया। पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मुझे इशारा लगता है कि खाना कहीं होटल से नहीं आया होगा। होटल से आया होगा खाना, लाजमन अजवाज मुतहरात ने ही मदीने में पकाया होगा, हुजूर की बीवियों ने, हमारी माओं ने पकाया होगा, नहीं या साहब ही ले आए होंगे अपने अपने घर। अब जो उसमें देखने की चीज़ है वो ये है कि हज़रत अली ने खाना भी खिला दिया उनको, जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर ने जोहर की नमाज़ पढ़ ली, ये लोग बैठे थे, इन लोगों ने हुजूर के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन नमाज के बाद में हज़रत अली ने देखा कि आदमी नीचे ऊँचे हो रहा है, जैसे किसी को नमाज का वक्त हो, खाने का हो, या इस्तंजे को जाना तो नीचे ऊँचो था ना, अपने गुजराती में कि आप मानस नीचे ऊँचो था जे पूछो शू करो छे भाई क्यों ऐसा कर रहा है, नीचे ऊँचा हो रहा हो, जैसे कोई थक गया तकरीर सुनते सुनते तो वो भी ज़रा नीचा ऊँचा होता है तो अपने दिखाए थका है ये, जल्दी करो। हज़रत अली ने देख लिया और हुज़ूर से पूछा, क्या उनसे पूछा क्यों आप परेशान हो? कहने लगे हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। किन्होंने कहा? ईसाइयों ने। तो हज़रत अली गए रसूल, मौलाना मौदूदी ने लिखा है इसको, कहाँ गए? हुजूर के पास, कि या रसूलल्लाह ये नीचे ऊँचे हो रहे हैं, इनकी नमाज का वक्त हो गया है, कहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं? सलाम हो मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो हमारी मस्जिद में, और कहाँ? उसी पर यह आयत उतरी, कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्ला अल्लाह, अहले किताब उस बात की तरफ आ जाओ जो हम में तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, एक बात, वला नुशरिक बिही शैया, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ा बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, न तुम हमको अपना रब बनाओ न हम तुमको अपना रब बनाओ, फइन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू अन्ना मुस्लिमून, नहीं मानते तो उनको कह दो हमने अल्लाह के सामने अपनी गर्दन डाल दी। इस्लाम का माना कोई खास रंगीन कपड़े पहनने के नहीं है, अल्लाह के सामने सर डाल लेने का। हजरत अली से हुजूर ने फरमाया कि यही होगा, वहीं मस्जिद में ही नमाज पढ़। रसूलल्लाह ने मस्जिद धोई क्या? दूसरे दिन बोला कि भाई ये क्रिश्चियन नापाक थे, नमाज पढ़ ले, मस्जिद को धो दो। आप मस्जिदें धोते हैं नहीं धोते? नहीं धोते, नहीं धोते बताइए, नहीं धोते तो सुन लिया कि वाजपेयी जब लाहौर गए थे तो मैंने बयान दिया था मैं अल्लाह के सिवा डरता नहीं किसी से, वाजपेयी को आपने बुलाया था इसलिए लाहौर गए, वो नहीं बुलाना चाहिए था, वो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर एक
जहाँ पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ तो वाजपेयी साहब को ले गए नवाज शरीफ, ले जाते हैं। तुम ले जाओगे जब ना, सऊदी अरब वालों का मुझे स्टाइल बहुत पसंद है, वो किसी मजार पर किस पर जा किसी को ले नहीं जाते और किसी के यहाँ वो जाते नहीं। यहाँ जब शाह सऊद आए थे तो मेरी जवानी का ज़माना था, यहाँ गए अलीगढ़ गए वहाँ गए बनारस गए, तो बनारस में बुत बहुत हैं। सऊदी सिक्योरिटी ने कहा उनसे बादशाह से, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, जवाहरलाल थे उस ज़माने में, मेरी जवानी का सब चीज़ें देखी हुई मेरे, तो जवाहरलाल बहुत होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई 10-20 लाख रुपये भी मिल जाएंगे इनसे, और बनारस यूनिवर्सिटी वाले भी चाहते थे कि हमको भी पैसे, पैसा किसको नहीं होना, पैसा बधाई नहीं जो ये भाई। तो रातों रात हुकूमत ने ऐलान किया कि जितने वहाँ पुतले थे सबको बुरके पहना दिए, ताकि शाह की गाड़ी निकले तो किसी तस्वीर पर उनकी नज़र कर लिया उन्होंने अपना। उस पर नज़ीर बनारसी ने एक शेर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मौलाना अली मियां की मौजूदगी में उन्होंने सुनाया, तो मौलाना बहुत खुश हुए। गुजरा था बनारस से अदना सा गुलाम, उनका मुँह अपना छुपाते थे पर्दों में सनम खाने, ऐसा शेर लिखा उसने रसुल्ला की तरफ लिखा। गुजरा सा बनारस से अदना सा गुलाम उनका, बादशाह की तारीफ नहीं की, हुजूर का मामूली गुलाम था वो, मुंह अपना छुपाते थे पर्दों में सनम खान। अब इन्होंने उनको मीनार पाकिस्तान दिखाया, तो वाजपेयी साहब बेचारे जो उनको करना था वही करेंगे ना वो। उसके बाद में वहाँ गुलाब के पानी से धोया उन्होंने, अब मेरे को आया गुस्सा, पहले लेकर आए को गए गुलाब के पानी से धोया, और यहाँ मीडिया ने ऐसी हजामत की है, ऐसी तैसी कर दी, और आपके वोटों को भी सत्यानाश कर दिया। ये क्या कौमों को ईमान के खिलाफ भड़काना है? कुरान ने क्या कहा आपको, वला यजर मन्नकुम शनान कौम इन अल्लाह तादेलो, किसी कौम की दुश्मनी में अदल और इंसाफ जो है उसको टूटने मत दो। ठीक है आप आए घर ले गए खाना खाए चले आए, ठीक है कहने की क्या जरूरत थी कि हम मीनार पाकिस्तान को धोएंगे, धोया उन्होंने, और यहाँ मीडिया ने ऐसी, मुझे बयान देना पड़ा वे उनके किसी फेल की जिम्मेदारी नहीं है, कह लेके क्या इतनी इतनी बेइज्जती करते हैं कह लो, और उसका जो रिएक्शन हुआ वहाँ पर, वो आपके वोट बेकार हुए। कहने की बात नहीं, समझ जाइए, खोल कर आँखें, मेरी आई नए गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर दे। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा अमल ना हो हमारा जिस बिना पर कौमी दुश्मनियाँ आगे बढ़े। सुन्नत रसूलुल्लाह यह है कि कौमी दुश्मनियों को जितना कम किया जा सकता हो उतना उसको कम करना चाहिए। सवाल यह है, आपने फरमाया तो ईशा के बाद 10 मिनट वक्त दें तर्जुमे से पढ़ने का, तो मामूल तर्जुमे से पढ़ने का, तो हम तर्जुमे से पढ़ते हैं और बाद में कुछ हाशिया भी पढ़ते हैं, जरा कुछ पजल हो जाते हैं कि कुरान शरीफ में एक ही वो तंबी और एक ही वाक़ा अलग अलग बार बार आता है, जैसे कि जिन्होंने रसूल को इस्तेहज़ा किया उनके लिए हमने बुरी जगह तलाश कर रखी है, और अल्लाह के अहकाम को ठुकराने वालों को बुरा हशर है, और बहुत से पैगम्बरों की उम्मतों के जैसे सौले हूद समूद और मूसा का जिक्र अलग 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 बार बार आता है, तो हम लोगों को तो आदत है कि एक मौजू पर एक एक साथ चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने की, और वहाँ बार 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 अलग अलग तरीके से आती है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरे कुरान शरीफ में फैला हुआ है, सूरह 9 में तो बहुत ज़्यादा है, सूरह 19 में है, तो जो भी अल्लाह ताला को अहकाम देना है तो एक सब्जेक्ट के मुताबिक एक ही जगह नहीं है, हम पजल हो जाते हैं। हो गया आपका सवाल, मेरे ख्याल में सवाल तो जिब्रील जब आ रहे थे 13-14 बरस पहले जब आप करते हैं कि भाई एक लाइन से वो आपका कहना भी मैं रद्द नहीं करता, लेकिन बताता हूँ हर जगह जो वाक़ आया है उसमें एक रूह है, उस रूह को एक जगह कहाँ देते तो वो एक चित्रलेखा की कहानी हो जाता कुरान शरीफ। इसलिए उसने क्या किया कि एक चीज़ यहाँ रखी एक वहाँ रखी एक, ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि किसी शाही दस्तरखान के ऊपर 50 चीज़ें हैं, तो आप कहो भाई 50 चीज़ें 50 जगह काय को रखते हो, सब एक ही जगह ला करके रख दो। कुरान के लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है। उसमें थोड़ी सी तमसील पेश करता हूँ, हज़रत मूसा का जिक्र सबसे ज़्यादा है कुरान शरीफ में, आदम का भी काफ़ी जगह पर, हर जगह उसकी लज्जत और टेस्ट अलग है, और पॉइंट ऐसे नए नए खुलते हैं कि अगर वो एक ही जगह कर देता ना तो वो पॉइंट्स जो हैं वो खुल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अर्ज़ करते हैं इस तस्खा मूसा अले कौम ही, मूसा ने जब अपनी कौम के लिए पानी मांगा, पानी नहीं था, उन्होंने पानी मांगा, तो हमने कहा कुल नदरी मैसा कल हजर के फला पत्थर पर आप लाठी मारो, फन फजरत मिन हुसनत आशरत आयना, तो उसमें 12 चश्मे फूट। अब उसमें क्या 12 कबीले थे वो, और वो आपकी तरह वो भी लड़ाकू थे, मेरे ख्याल में सुन्नी भाभी वो भी होंगे तो कोई ताज्जुब नहीं है,
भाई हम तो इसके बर्तन में पानी पियेंगे नहीं, तो 12 होंगे तो उन्हें 12 रास्ता देकर झगड़ा ना कर रही है, वरना 12 की जरूरत नहीं थी। हम कह सकते थे कि एक ही बड़ा पाइप धर के साथ आ जाता, सबकी जरूरत पूरी हो जाती, नाले का नाला बह जाता। ये कोई बात नहीं हुई उसमें, वो 12 आदमियों के लिए वो मौजजात की एक सिलसिले की कड़ी बनी। और फिर और बहुत सारी बात, वही मूसा जो है रात के अंधेरे में 2 आदमी लड़ रहे थे और हजरत मूसा रॉयल चैम्बर में थे, मिनिस्ट्री के पद पर थे। हजरत मूसा थे तो बनी इसराइली, लेकिन माँ ने उनको अल्लाह के हुक्म से समंदर में डाल दिया था और बेगम फिरौन ने उनको पाला। फिरौन को मालूम था कि ये इसराइली बच्चा है और ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता है, हमेशा वो कहता है कि ज़रूनी अक्तुल मूसा, ज़रूनी अक्तुल मूसा, छोड़ो मैं मूसा को काट डालूँ। बेगम फिरौन आड़ी आती थी और वो उसको करने नहीं दिया। फिर हजरत वहीं राजमहल में पड़े और बड़ी खिदमात की। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दुनिया में हजरत मूसा की वजह से आया, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी उनकी वजह से आया। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन जो है ये उन्हीं की वजह से आया, मजदूरों को मजदूरी देना, एक दिन हफ्ते में छुट्टी देना, उनकी रिहाइश, ये सब फिरौन के दरबार में उन्होंने, यानी एक तरह लेबर मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में थी, ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता, और दूसरी भी मिनिस्ट्रियाँ उनके हाथ में होंगी। अब उसमें हुआ ये कि वो किस्सा पहुँचा, अब टर्न कैसा करेगा। रात में हजरत मूसा चेकिंग के लिए निकले होंगे, पुराने ज़माने में हाकिमों का दस्तूर था कि वो रियाया को देखते थे, हमारे आज के मिनिस्टरों की तरह नहीं कि वो रह रहे हैं पर्दे में, उनको यही नहीं मान, तो वो ढूंढ रहे थे। उसमें देखा कि वह कि 2 आदमी जो है यक्ततलान मारा मारी कर रहे हैं, घुसे घासी पिटा पीट, रात का अंधेरा है। हजरत मूसा ने उसको पकड़ा, उसको अरे जानने जानने इसको आप भी तजुर्बा करके देखिए कभी, कि 2 लड़ने वाले लड़ते हो और जानने जानने करते हो तो उसी को पीटना शुरू करते हो। हजरत मूसा ने कह रहे जाने दे जाने दे, तो एक को एक तो समझ गया कि मूसा है, तो चुप हो गया वो थोड़ा, लेकिन दूसरा टेंटे करने लगा। हजरत मूसा ने कहा मान नहीं रहा, तो हजरत मूसा ने फवकज़हू मूसा, हजरत मूसा ने एक थप्पड़ मारी। मौलाना थानवी ने इसका तर्जुमा घूसा किया है, उनको शायद ये ख्याल होगा और सही किया कि थप्पड़ से आदमी मरना मुश्किल है, एक घूसा पड़ गया वो घूसा। ये भी है कि हजरत मूसा का घूसा भी तगड़ा होगा, ऊँचे पूरे थे, मर गया वो। जैसे ही मर गया तो हजरत मूसा ने, और वो फिरौनी जमात का आदमी था जो मर गया, अब वो मर गया तो हजरत ने ये नहीं कहा कि अच्छा हो गया एक फिरौनी मेरे हाथ से मरा, उनका कहा हाजा मिन अमल शैतान, ये तो शैतानी हरकत हो। वो कत्ल उनके मिस्र छोड़ने का सबब हुआ। तब कुरान को आप इजाज़त देंगे कि नहीं कि वो पानी का किस्सा अलग बयान करें और इसका किस्सा अलग बयान करें, इजाज़त नहीं देंगे उसको। एक ही जगह रख देंगे तो वो लाइफ ऑफ मूसा के नाम से कोई रिसाला हो सकता है। कुरान के अंदर ऐसा है कि ये यहाँ हीरा है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, यहाँ नाला है, यहाँ जंग है, यहाँ सुलह है, यहाँ सुलह हुदैबिया है, यहाँ निकाह है, यहाँ तलाक है, यहाँ वाज है, यहाँ दरस नसीहत है, यहाँ अल्लाह की याद है, यहाँ जिक्रुल्लाह है, यहाँ आखरत के, तो मजामीन जो है वो कायनात के अंदर बिल्कुल मुतनव्व हैं। जैसे आप हवाई जहाज़ में या ट्रेन में देखें पहाड़ी दिख रही, नदियाँ दिख रही, अब बोलें कि अल्लाह ताला को पहाड़ी बनाने तो किसी एक ही जगह पहाड़ी बना दे, नदी एक ही जगह रख देते, तो वो जो फितरी तनव्वो है, रंगीनी जो है वो दिखाई नहीं दे। जज़ाकल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।